जय गो माता, जय गोपाल। दूर दूर तक फैला थार का रेगिस्तान, यहाँ अगर आज जीवन है तो उसका सिर्फ एकमात्र कारण है थार पार कर गो माता। श्वेत सुंदरी थार गो माता, इससे सुंदर कुछ भी नहीं। बिना खाए पिए यहाँ दूध देती है, वो किसान के जीने का कारण बनी है। इनकी सुंदरता को आप महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, चांदन गांव में शैतान सिंह जी भाटी से मिलना हुआ, बुजुर्ग व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि चलो मेरे खेत में सुंदर गोमाताएं दिखाता हूँ। चल पड़े हम उनके साथ में उनके खेत की तरफ। खेत में गाय को ढूंढते हुए गोमाता को, जहाँ हम घूम रहे हैं उसे रोई कहते हैं। इसमें गोमाता चढ़ने के लिए आती है। हजारों प्रकार के चारे की वैरायटी इसके अंदर होती है। शैतान सिंह जी आगे बढ़ चले और हम बढ़ चले उनके पीछे पीछे। आधे घंटे की मशक्कत के बाद में दूर से शैतान सिंह जी ने कहा कि गो माता दिख गई। ऐसे गोचर है, इसी कारण गोमाता बच पा रही है। मिलते हैं शैतान सिंह जी। नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयरी एग्री कंसल्टेंट। दोस्तों, आज शैतान सिंह जी के साथ में हूँ, भाटी जी के साथ में। और साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जय गो माता, जय गो माता। और सबसे पहले स्वागत है हमारे पास आए पधारी इस रोई में। ये रोई इसको इसलिए कहते हैं, गायों के चढ़ने के लिए इन्होंने 100 बीघा जमीन, अपने घर की जमीन इन्होंने छोड़ी हुई है, जहाँ गाय खुली चढ़ने को आती है। और यहाँ पे सब कुछ है चढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं सभी गोमाताओं को, और सभी जो थार पार कर प्योर कहते हैं, थार पार कर जो असली क्या, तो वही जैसलमेर की गर्मी में चल सकती है, तो वो ये है। आज ये ठंड आ गई तो बिल्कुल आप काली झाई देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी थार पार के बारे में, थार पार क्या है, वास्तविक में क्या है। तो साहब, एक तो आप ये बताए कि भी इस नस्ल का जैसलमेर क्षेत्र के लिए क्या महत्व है। इस क्षेत्र का ये महत्व है कि ये गाय सर्दी से कुछ नहीं होता, ना गर्मी से कुछ नहीं होता, ना पानी कम होता, नहीं तो भी 2-3-4 दिन तक प्यास नहीं रह सकती है। 4 दिन तक, 2-3 दिन 4 दिन पानी कम हो तो भी रह सकती है। और सर्दी तो इनको लगती भी नहीं है। दूसरी गाय तो एक दिन में ही उसका नाक चलने लग जाता है। इसको सर्दी में कुछ नहीं लगता, रात को चलती है। इसीलिए ये गाय खेती बाड़ी आपके यहाँ तो बिल्कुल अब तो हो गया, पर वो भी कम है। पहले वहाँ पे जैसे आगे कोई इलाका जैसलमेर वैसा भी है, वहाँ पे गाय से दूसरी गाय सब नीचे नीचे। हाँ, ऐसा क्यों कारण कैसे गाय में
आप देखते नहीं, मैं रात को भूखे सूते और सुबह झापड़ उठते हैं गाय के दूध। सभी लोग हैं, तो इस थारपा के गाय के लिए हम इस रोई के अंदर पूरा चल के अभी आए थे और जब आराम से शांति से पानी पी के अभी बैठी और रात के समय चढ़ने का सिस्टम ज्यादातर इनका होता है। तो दूध आपने कितना देखा इस गाय का? एक टाइम का 5-7 किलो 5-7 किलो दूध आराम से होता है बच्चे को पिलाने के बाद? 2 किलो तो बच्चा पी लेता है। 2 किलो तो पहले बच्चा पीता है, फिर बाद में हम दो किलो बच्चा पीता है। 5-7 किलो इसका दूध भी बढ़िया होता है। तो इसकी घी की क्वालिटी कैसी होती है? घी बहुत पीला भैंस हल्द हो जाए, उसके अंदर दाणेदार होता है, एकदम दाणेदार दाणेदार हल्दी जैसे पीला हल्दी जैसे दाणा होता है। अभी इस चांदन क्षेत्र में हमें और साहब से मैं निवेदन किया था कि आप जरूर बताएं थारपारकर के बारे में कि थारपारकर क्या क्षमता है, तो आपने उस निवेदन को एक्सेप्ट किया और आपने इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी गाय देख सकते हो आप, बहुत शानदार। उस गाय का दूध कितना है वो वाली का? 14 जो बैल होता ना उससे होती है, तो उसकी अच्छी नस्ल होती है, अच्छी नस्ल होती है, इसलिए सब ध्यान दे, सब ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब और ज्यादा बढ़े, आप सभी से विक्ता भी बहुत रही, तो जल्दी एक अच्छे ब्रीडर के रूप में आप होंगे और आप प्रयास भी कर रहे हैं, आप भी है और आप भी आया करो हमारे। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई यहाँ पे आके, जब घूम रहे शांति बैठी थी यहाँ पे शांति से इस छाये के अंदर, तो देख के आनंद आ गया, इतना चल के आया वो थकावट भी दूर हो गई, दूर हो गई है। परेशानी तो वो भी है, परेशानी है, खुशी है, दो ही है यहाँ पे, सब जंगल ही जंगल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखो पता देखो जुड़े रहे, बहुत ही